आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है साथियों? ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। ₹140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों Tier 2, Tier 3 शहरों में लिखी जा रही है, छोटे छोटे शहरों में। संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे, वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई ना कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो। हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में
कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां नाम, बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे यंग एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मैटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है।